Hey guys, welcome to the Educators. This is Sakshi Gaur and we are back with the new, not with the video, with the new course. So this time, अब हम economics discuss नहीं कर रहे हैं. मैं आपके लिए एक new fresh course अब लेके आई हूँ, which is of business studies class 12th. Class 12th का भी exam हुआ नहीं है due to coronavirus. ये आपका जो है थोड़ा postpone हो गया है. We'll see कब होता है. तो आई वॉज थिंकिंग कि अभी कुछ इस चीज़ में मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ. सो दिस इज़ माई कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर दैट. बिजनेस स्टडीज़ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने अभी दो तीन चीज़ें, दो तीन पॉइंट्स सोचे हैं. आप प्लीज़ मेंशन कीजिएगा. पॉइंट्स ये हैं कि मैंने सोचा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो बिज़नेस स्टडीज़ का पेपर है वो दो तरह से, मतलब दो चीज़ें इसमें मेन है. एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए बिल्कुल, बट आप सभी इस चीज़ को नोटिस कर ही रहे हैं कि सभी क्वेश्चंस वैल्यू बेस्ड आ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से. तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी चाहिए. तो मैं सोच रही हूँ कि आई मेक टू सीरीज़ बिजनेस स्टडीज़ की. फर्स्ट में आपको जो है आई प्रोवाइड द कॉन्सेप्चुअल, जिसमें आपका सभी बेसिक पार्ट होगा, जो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स की वीडियोस होंगी, पार्ट ए पार्ट बी. उनको कवर करने के बाद आई मेक अनदर सीरीज़. और अगर आप लोग अगर कमेंट करेंगे और आप लोग अगर इफ़ रिक्वायर्ड तो आई मेक दी साइमल्टेनियसली, मैं आपको एक और सीरीज़ प्रोवाइड करूँगी जिसमें आपकी जो हैं केस स्टडीज़ भी होंगी. तो इट्स अप टू यू, आप जितना लाइक शेयर करेंगे अकॉर्डिंगली आई प्रोवाइड यू दी क्लासेस. तो इस तरह से मैंने आपको डिसाइड किया है कि दोनों सीरीज़ में चैप्टर वाइज आपका सारा डिटेल्ड जो है कॉन्सेप्ट्स होंगे. और हम इस तरह से ये नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं. सेकेंड थिंग गाइज, लॉकडाउन ऑल ओवर इंडिया चल रहा है 1 month. अभी कहीं भी कोई भी चीज़ की मूवमेंट नहीं होने वाली है, फॉर श्योर है ये. आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नवंबर में चाइना में जो है कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था. ऑफिशियली उन्होंने दिसंबर में अनाउंस किया था एंड वो अब मार्च में वहाँ पे ख़त्म हुआ है. तो अब सभी चीज़ों को, इटली में क्या सिचुएशन चल रही है, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 1 month तो आपको लगना ही है. तो प्लीज़ यूटिलाइज दिस टाइम, प्रोडक्टिविटी में लगाइए. जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ पढ़िए, क्योंकि 2-3 months के बाद जब ये सब चीज़ें आपकी लॉकडाउन कवर होंगे, सब हटेंगे, तो एकदम से आपके ऊपर बहुत प्रेशर आने वाला है स्टडीज़ का. तो आई सजेस्ट यू कि आप अभी से उसे बैलेंस करके चलें. यू हैव लॉट ऑफ सोर्सेज जहाँ से आप पढ़ सकते हैं. हम भी उसी चीज़ के लिए आपको हेल्प करने की ट्राई कर रहे हैं. तो जितना हमसे होगा वी विल ट्राई. और देयर अदर यूट्यूब चैनल्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको क्लासेस इजीली अवेलेबल हो जाएंगी. तो आप प्लीज़ इस टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा. लॉकडाउन है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, घर से बाहर मत जाइए. एंड प्लीज़ जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, सैनिटाइजेशन है, हाथ धोना है, ऑल दिस थिंग, इन सब का प्लीज़ ध्यान रखें. ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, डोंट टेक इट लाइटली. तो ये जो था ये मेरी तरफ से कुछ सजेशंस थे. इट्स अप टू यू, यू वांट टू फॉलो और नॉट, बट स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना चाहिए. तो आज हम आगे का टॉपिक कॉन्टिन्यू करेंगे. बिजनेस स्टडीज़ पहली क्लास है हमारा, पहला लेक्चर है इसका. तो करते हैं स्टार्ट. इसमें आपका जो है, इसमें आपके दो पार्ट्स है बिजनेस स्टडीज़ में. आपको पता ही है पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट बी इज़ फॉर फाइनेंशियल. पार्ट ए जो है वो प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का है. तो इसको मैंने लेक्चर वाइज डिवाइड किया है. चैप्टर 1 पार्ट 1 सभी को ऑर्गेनाइज्ड वे में है. तो आपको इसको ढूंढने में भी और पूरी जो आपकी प्लेलिस्ट होगी आपको अच्छे से प्रोवाइड की जाएगी. तो उसमें चैप्टर 1 जो है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. इसमें हम फर्स्ट ही चैप्टर है हमारा, मैनेजमेंट क्या है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो मैनेजमेंट जो है बेसिकली बहुत सारी डेफिनेशंस आपने देखी होंगी और हैं भी. अलग अलग जो हैं स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस इनकी दी हैं और आप कोई भी इसे लर्न कर सकते हैं. प्लस आप ये देखते रहिए कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है. थोड़ा सा कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है. और सेकेंडली आपको जैसे
वैसे तो केस स्टडी बेस ही क्वेश्चन आता है अब तो, लेकिन अभी इस तरह से भी है कि आपको एक जैसे कोई इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, आपको प्रोसेस नहीं बताएंगे तो आपको ये बताना है कि प्रोसेस क्या है। तो अगर आपको उनकी डेफिनेशन मीनिंग प्रॉपर क्लियर है तो आप उसको इजीली बता सकते हैं, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि केस स्टडी में देखिए क्या होगा कि आपको जो है केस स्टडी दे देंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। देखो कोई बिजनेस स्टडी बहुत इजी सब्जेक्ट है, इवन अब चीज़ें और भी इजी हो गई हैं अगर, लेकिन उसके लिए ना आपको ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको नहीं है तो आप नहीं डिसाइड कर सकते कि ये प्लानिंग है, ये ऑर्गेनाइजिंग है, ये स्टाफिंग है। तो फॉर दैट आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ मैनेजमेंट, व्हाट इज़ प्लानिंग, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज़ स्टाफिंग। तो इनके मीनिंग, इनके पार्ट्स अगर आपको अच्छे से क्लियर होंगे तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लें, वो आपको एक केस स्टडी ही तो देंगे। केस स्टडी में आपको पहचानना है कि क्या प्रोसेस है, उसके बाद उसके फीचर्स। लेकिन अगर वो आपने गलत पहचाना तो यू विल लूज 5-6, जितना 6 मार्क्स का क्वेश्चन है या 4 मार्क का क्वेश्चन है, जितने भी मार्क का चले जाएंगे। तो बिजनेस स्टडी जो है अभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर किया तो यू विल गेट, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। 90+ स्कोर करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको लाइटली लिया तो ये आपके परसेंटेज को ख़राब भी कर सकता है। तो बिजनेस एक अच्छा सब्जेक्ट है और आपको अच्छे से ही करना चाहिए। तो सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट के मीनिंग की। तो सबसे जो इजी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ली है, तो मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आए हैं जो कि आपने नॉर्मली सुने हैं, लेकिन इसके साथ कैसे रिलेट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, फर्स्ट थिंग, जहाँ पे क्या किया जाता है, एक एनवायरनमेंट मेंटेन और डिज़ाइन किया जाता है सो दैट कि जितने भी जो लोग हैं वो वहाँ पे एक साथ काम कर सकें, और वो सभी लोग जो काम कर रहे हैं वो एक डिज़ायर्ड गोल की तरफ कर रहे हैं, अचीविंग द डिज़ायर्ड गोल, एक कॉमन गोल के लिए सभी काम कर रहे हैं एफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वो उस गोल को अचीव कर सकें, इसलिए वो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। और मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है, डिज़ाइन करता है और मेंटेन करता है। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली में भी क्वेश्चन आता है, दे साउंड सिमिलर बट थोड़ा सा इनमें एक डिफरेंस है जो अभी हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो मैनेजमेंट का मीनिंग आपको होपफुली क्लियर होगा। उसके बाद है, देखो अभी इस डेफिनेशन से 3 पॉइंट निकल के आए हैं हमारे पास। 3 पॉइंट्स क्या हैं, 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसे है, क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस, कि इसमें बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं एंड दे ऑल आर इंटर रिलेटेड। अब फंक्शंस क्या हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग होगा, पहले प्लान करेंगे हम कि हमें ये चीज़ करनी है, फिर हम उसके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे, रिसोर्सेज वगैरह देखेंगे कि यहाँ यहाँ ये चीज़ें होनी है, हम बिल्डिंग्स देखेंगे, हमें ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद है स्टाफिंग, फिर हम क्या करेंगे, ठीक है हमने प्लान कर लिया, हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, अब हम उस उन सभी के लिए एम्प्लॉयज़ लेके आएंगे, तो हम वहाँ स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट होगी। फिर हम उनको डायरेक्ट करेंगे कि आपको ये चीज़ें करनी है, आपको ये काम करना है, आप मैनेजर हैं, आप ये जो भी, मतलब उनको डायरेक्शंस देंगे। एंड देन वी विल कंट्रोल, हम देखेंगे कि जो हमने गोल लिया था, वी विल कंपेयर आर स्टैंडर्ड, या हमारे गोल, हमारा जो स्टैंडर्ड था उसको हम एक्चुअल रिजल्ट के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे काम होता है आपका कंट्रोलिंग का। तो मैनेजमेंट एक पूरा प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है, जिसमें ये सभी स्टेप फॉलो किए जाते हैं, दीज ऑल स्टेप्स आर इंटर रिलेटेड। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है मैनेजमेंट रिक्वायर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। इफेक्टिव परफॉर्मेंस, देखो एफिशिएंसी और इफेक्टिव का मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी आ गया है हमारा। इफेक्टिव का मीन्स है कि आप कोई काम कर रहे हो, काम सही कर रहे हो, अपने गोल को टाइमली अचीव कर रहे हो, राइट राइट वर्क या राइट टास्क एट मतलब ऑन राइट टाइम, मतलब एग्जैक्ट टाइम में ही आप अपने गोल को अचीव कर रहे हो, रादर देन कि आपने कितने रिसोर्सेज यूज़ किए,
ठीक है, कोस्ट वगैरह को ये जो है इन्वॉल्व नहीं करता है। तो यहाँ पे ये इररिस्पेक्टिव है कि किस तरह से वो गोल अचीव हुआ, वो नहीं। यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें ये देखता है, फर्स्ट इज राइट टास्क, काम कंप्लीट सही होना चाहिए और टाइम पे होना चाहिए। उसके बाद है दूसरा इसका जो है वो इसका थोड़ा सा अलग है, मैनेजमेंट नीड्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में कह रहा है कि आप काम सही करें विद मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट आपकी कम से कम हो वहाँ पे। तो फिर हम यहाँ पे बात कर रही हैं एफिशिएंसी की। तो मैंने इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज सबके पास बुक्स होती हैं एंड आप उधर से इन पॉइंट्स को देख सकते हैं। मेन चीज़ है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की, विच आई विल प्रोवाइड टू यू। उसके बाद है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, वही देख रहे हैं। इफेक्टिवनेस क्या है? इट रेफर्स टू अचीविंग द गोल्स ऑन टाइम, हम टाइम पे गोल को अचीव कर रहे हैं। सेकेंड, इट फोकस एट द एंड रिजल्ट ऑफ द टास्क। एंड रिजल्ट क्या है? वो हमारा सही तरीके से वो टाइम पे अचीव हो, राइट? तो इसमें मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि फॉलोइंग दिस पॉलिसी, यानी कि इफेक्टिवनेस को फॉलो करते हुए द प्रोडक्शन मैनेजर इज एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ 500 यूनिट्स विद इन द टाइम। 500 यूनिट वो बना रहे हैं विद इन द टाइम, बट आफ्टर हाई वेस्टेज। लेकिन वहाँ पे वेस्टेज बहुत ज़्यादा है एंड मिस हैंडलिंग ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज की मिस हैंडलिंग है। तो मतलब इन्होंने टास्क कंप्लीट किया, टाइम पे किया, लेकिन कैसे उन्होंने कंप्लीट किया वो यहाँ पे वो मैटर नहीं करता। द मैनेजर वॉज इफेक्टिव बट नॉट सो एफिशिएंट। तो यहाँ पे ये जो मैनेजर है वो इफेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या है? इट रेफर्स टू डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। आप काम सही कर रहे हो और कम कॉस्ट के साथ करो, मिनिमम कॉस्ट के साथ करो, तो आप क्या हो, आपकी एफिशिएंसी अच्छी है। इट फोकसेस एट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि कॉस्ट को कंसीडर करता है कि गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम रिसोर्स, कम से कम रिसोर्स से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले तो आपकी एफिशिएंसी अच्छी है। एग्जाम्पल के वही प्रोडक्शन मैनेजर है, वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है मोर ऑन एफिशिएंसी, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे वो जो है फोकस कर रहा है एंड इज अनेबल टू अचीव द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 500 यूनिट। लेकिन वो 500 यूनिट नहीं बना पाया, 450 बना पाया, लेकिन काम उसने अच्छा किया है और मिनिमम कॉस्ट के साथ किया है, तो फिर वो यहाँ पे क्या है, उसकी एफिशिएंसी अच्छी है। देन द मैनेजमेंट इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। यहाँ पे वो एफिशिएंट है बट इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उस यूनिट बनाई है या 600 बनानी थी, जो भी मतलब यूनिट है, जो टारगेट था उससे कम यूनिट उसने बनाई है। तो ये दोनों इफेक्टिव एंड एफिशिएंट आपको यहाँ पे क्लियर होंगे। ये आपके क्वेश्चन में पूछ भी लिए जाते हैं कि आपको केस स्टडी दे देंगे, आपको बताया जाएगा, तो आपसे पूछेंगे कि जो मैनेजर है या जो भी है वो इफेक्टिव है या एफिशिएंट है। तो आपको अगर दोनों में क्लैरिटी है कि यहाँ पे जो इफेक्टिव में क्या था, एंड रिजल्ट कंप्लीट होगा, टाइम पे होगा, कॉस्ट मैटर नहीं करती, और एफिशिएंसी में क्या होगा आपका, टाइमली कंप्लीट सॉरी टास्क कंप्लीट होगा विद मिनिमम कॉस्ट। हो सकता है कि थोड़ी जो एक्चुअल जो रिजल्ट है उधर ना पहुंच पाए, लेकिन यहाँ पे करेक्टली काम होगा और क्या होगा, विद मिनिमम कॉस्ट होगा। तो मैनेजमेंट मस्ट बी इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट टू मेक द एंटरप्राइज सक्सेसफुल। जो मैनेजमेंट इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है, वो एंटरप्राइज हमेशा सक्सेसफुल रहती है। तो होपफुली आपको दोनों ही पॉइंट यहाँ पे क्लियर होंगे। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ क्या है, 6-7 करेक्टरिस्टिक्स आर देयर। फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखिए, अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, आपने कोई मैनेजमेंट स्टार्ट किया, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मैनेजमेंट होती है वो एक गोल को लेके चलते हैं कि यस हमें ये गोल अचीव करना है, हमें 5000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है या हमें इतना टर्नओवर अचीव करना है। तो एक गोल है कि ठीक है हमें सो एंड सो टर्नओवर या 5000 यूनिट्स इस मंथ की या इस क्वार्टर की या 6 मंथ या ईयर के एंड में हमें कंप्लीट करना है। तो ये हो गया हमारा गोल। नाउ अब क्या करेगी मैनेजमेंट, अब लोग क्या करेंगे जो उस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वो एक मैनेजमेंट
एस्टैब्लिश होगी वहाँ पे, मैनेजमेंट में क्या होगा, डिसाइड होगा कि ये लोग प्लान हमने किया कि ठीक है हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, देन वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे उसके लिए जितने रिसोर्सेज चाहिए सब कुछ, फिर एम्प्लॉयज हायर करेंगे, उनको डायरेक्शंस मिलेंगी, एंड देन कंट्रोल किया जाएगा कि क्या वो काम हमारा एक्चुअल रिजल्ट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिजल्ट और नॉट, तो वो नहीं है तो फिर उसके प्रिवेंटिव मेजर लिए जाएंगे। तो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं होता कि एक लॉन्ग टर्म गोल को लेके हम चलते, चाहे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी हो, लेकिन एक डिजायर्ड गोल होता है जिसे अचीव करने के लिए टोटल मैनेजमेंट की जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, सेकंड इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, परवेसिव मतलब यूनिवर्सल है मैनेजमेंट, जरूर मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में अप्लाई नहीं होती, इट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर। आप अपनी पर्सनल लाइफ में मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हो, बीइंग ए स्टूडेंट आपने टाइम पे, इस टाइम पे हमें स्पोर्ट्स करना है, इतना पढ़ना है, इस ड्यूरेशन में हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट। एनजीओज वगैरह होते हैं, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ भी मैनेजमेंट होती है, हमारे घर में भी मैनेजमेंट होती है, हर जगह, एवरीवेयर यू कैन सी दी मैनेजमेंट। तो ये ऑल परवेसिव है, हर जगह इक्वली एप्लीकेबल है। उसके बाद मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल मतलब यहाँ पे बहुत सारे काम एक साथ होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, तीन चीज़ें यहाँ बेसिक होती हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क कैसे, जैसे स्कूल हमें एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, फैक्ट्रीज जो हैं वो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, हॉस्पिटल जो हैं वो पेशेंट्स को देखते हैं, तो क्या हुआ, काम का मैनेजमेंट हो गया, यहाँ पे काम डिवाइड हो रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये काम करेगी। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसे हम कहेंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नाउ अब हम देख रहे हैं कि अगर स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है तो वहाँ पे लोग कैसे काम कर रहे हैं, कि एक प्रिंसिपल है, एक HOD है, उसके बाद टीचर्स हैं, वो अपने अपने जो है उनको एक टाइम टेबल गिवन है, और इस पीरियड में ये टीचर यहाँ जाएगा, सबको अपने जो एलोकेट कर दिया जाता है टाइम टेबल, और अकॉर्डिंगली सब उसको फॉलो करते हैं। अगर सोचिए वो मैनेजमेंट नहीं हो, अगर हम उन लोगों को मैनेज ना करें, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ तीन टीचर एक क्लास में चले गए और एक क्लास में टीचर गया ही नहीं। तो ये चीज़ हर जगह एप्लीकेबल है, आप ये सिर्फ स्कूल में नहीं, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी यहाँ पे होता है, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी होता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या होता है कि हम एक बैलेंस बनाते हैं बिटवीन मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मतलब काम, ये काम है और ये लोग हैं, तो इन दोनों का आपस में एक मैनेजमेंट करना, कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल को कंबाइन करके क्या ऑपरेशंस वहाँ पे होंगे, तो वो कहलाता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। इन तीनों को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम देखते हैं व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, स्कूल में पढ़ाना है, हॉस्पिटल में ट्रीट करना है, फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल जो होगा उसको कहेंगे हु इज टू डू इट, अगर स्कूल में है, स्कूल मैनेज कौन करेंगे, प्रिंसिपल सर करेंगे, अच्छा पियोन्स भी वहाँ होंगे, टीचर्स भी वहाँ होंगी, तो कौन कौन क्या काम कर रहा है। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ टू डू इट, उस काम को कैसे किया जाएगा। आप इनको अब नोट्स बना लेना अपने, मैंने यहाँ पे अभी क्योंकि ये सब चीज़ें आपको इजीली मिल जाती हैं बुक्स में, तो ज़्यादा डिटेलिंग प्रोवाइड करना मुझे ज़्यादा लगा नहीं प्रोडक्टिव, तो आप ये सब चीज़ें अपनी बुक से भी देख सकते हैं, प्लस अगर आपको लग रहा है कुछ पॉइंट मैंने अलग बताया है तो आप उनको पेन डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक बार मैनेजमेंट कर दिया और वो अब हो गया काम, ऐसे नहीं है। जैसे आप पढ़ रहे हो एक दिन अच्छे से अपनी अपने डे को फुली मैनेज कर लिया, लेकिन और नेक्स्ट डे आप कुछ नहीं कर रहे, तो वो चीज़ तो है ही नहीं ना। तो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बिजनेस में भी यही है कि आपको ये एक एक गोल अचीव किया तो फिर यू हैव टू फोकस ऑन दी अदर एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से चलता रहता है। तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहेगा हमेशा, दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। उसके बाद मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं आपस में जो काम कर रहे हैं, और उन्हीं सभी के बीच हमें मैनेजमेंट को एस्टैब्लिश करना है, मेंटेन करना है। तो मेन जो है ये ग्रुप एक्टिविटी है, एक इंडिविजुअल को, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है, वहाँ पे एक बंदा है या एक कोई भी पर्सन है जो ऑनर है उसका ऑर्गेनाइजेशन का,
तो उसमें क्या होगा, वो क्या मैनेज करेगा? वो अपना काम तो खुद अपने अकॉर्डिंग कर ही सकता है ना, अपनी लाइफ तो मैनेज कर लेगा, लेकिन बिजनेस में क्या मैनेजमेंट है? बट वहाँ पे बहुत सारे इम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं, तो उधर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये हमेशा ही ग्रुप एक्टिविटी रहती है अपने के लिए. उसके बाद मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन. डायनेमिक क्यों है? क्योंकि ये जो है हमेशा इंटरेक्ट करता है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है दे यूज़ टू इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. एंड जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें हमारे जो होते हैं वो होते हैं सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बहुत सारे वहाँ पे फैक्टर्स होते हैं. अभी देखो क्या चल रहा है, अभी कोरोना चल रहा है, राइट? अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है. अभी हुआ क्या, डायनामिक कैसे यहाँ पे मैनेजमेंट है, क्योंकि सब लॉकडाउन है, अब मैक्सिमम बिजनेस सब बंद है, सिर्फ असेंशियल जो कमोडिटीज़ हैं वही चल रही हैं, आपकी राशन शॉप्स चल रही हैं और इस तरह की चीज़ों का ही मतलब शॉप ओपन है. अब यहाँ पे क्या होगा, या फिर मैं इसके लिए एक और अच्छा एग्जांपल आपको दूंगी कि देखो नॉर्मली ये जो कोरोना जो आउटब्रेक हुआ इससे पहले जो है हमारी गवर्नमेंट अलग तरह से फंक्शन कर रही थी, राइट? सबके डिपार्टमेंट्स अलग अलग थे, सब सब मिनिस्ट्रीज थी, सब अपने काम पे फोकस कर रहे थे, अगर हम गवर्नमेंट की मैनेजमेंट की बात करें. अब क्या हुआ, एकदम से कोरोना का आउटब्रेक हुआ, राइट? अब मैनेजमेंट जो है यहाँ पे गई है किस चीज़ की, कि सभी हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों. फिर उन्होंने देखा कि ठीक है ये तो स्प्रेड होगी, तो उन्होंने लॉकडाउन कर दिया. यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया मैक्सिमम जगह पे लॉकडाउन चल रहा है. इन्होंने देखा कि ये जो है, ये जो बीमारी है, ये स्प्रेड होगी, तो लॉकडाउन उन्हें अनाउंस करना पड़ा. उसके बाद लोग नहीं मान रहे हैं तो उनको जो पनिशमेंट्स हैं और जो शॉप खोल रहे हैं उनके लिए फाइन्स वगैरह जो है वो डिसाइड किए गए. फिर जो इंडिया के उनको बस इंडिया लेके आया गया उसके लिए उन्होंने सेपरेट मैनेजमेंट की. मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर प्रोवाइड हों, मैक्सिमम हॉस्पिटल्स लैब्स बने. तो देखो क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपका हमेशा चेंज होता रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी मैनेजमेंट भी चेंज होती है. तो मैनेजमेंट आपकी मैंने बताया यूनिवर्सल है, तो गवर्नमेंट मैनेजमेंट का एग्जाम्पल दिया. और जैसे जैसे इन्वायरमेंट डायनेमिक है, चेंज होता रहेगा, वैसे वैसे आपकी मैनेजमेंट जो है वो भी चेंज होती रहेगी, या मैनेजमेंट का प्रोसेस या मेथड भी चेंज होता रहेगा. उसके बाद है मैनेजमेंट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स. मैनेजमेंट आपने कभी सुना है कि ठीक है आप किसी एक बहुत बिजनेस उस एंटरप्राइज में गए और आपने जाके बोला कि ठीक है वो चेयर पे मैनेजमेंट बैठी है, देखो जाके देखो, ऐसे नहीं होता. मैनेजमेंट एक एक इनटेंजिबल फोर्स है, यू कैन ओनली फील इट. कैसे, जैसे आपको मैं दो एग्जाम्पल देती हूँ. आप एक एक यूनिवर्सिटी में गए हैं, या एक स्कूल में गए हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं. स्कूल में गए, आपने देखा कि सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लासरूम्स में, कोई एक डिसिप्लिन डेकोरम मेंटेन है, तो कहेंगे कि यहाँ की मैनेजमेंट प्रॉपर है, स्कूल ने अच्छे से मैनेज किया है. एक आप दूसरा स्कूल देख रहे हो, स्टूडेंट्स आर रोमिंग हेयर एंड देयर, इधर उधर मूव कर रहे हैं, टीचर्स भी अपनी क्लासेस में नहीं है, तो व्हाट विल यू फील, कि यार नहीं मैनेजमेंट अच्छा नहीं है. या ऐसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग ऑन देयर प्लेसेस, प्रॉपर उनको कैबिन्स दिए गए हैं, सभी अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ब्रेक्स के बीच में ही उठ रहे हैं, अदरवाइज वो अपना काम कर रहे हैं, तो हम कहेंगे यार मैनेजमेंट अच्छी है. एक ये है कि सभी एम्प्लॉयज़ इधर उधर ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई ब्रेक, कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, कोई कोई वहाँ पे स्मोक कर रहा है, या कोई कुछ भी कर रहा है, रूल्स फॉलो नहीं हो रहे वहाँ पे, तो वो क्या होगा, वहाँ पे आपका होगा कि मैनेजमेंट आप फील करोगे कि नहीं मैनेजमेंट यार अच्छी नहीं है यहाँ पे. तो ये जो है, ये आपकी जो मैनेजमेंट है वो एक इंटेंजिबल फोर्स है, आप इसको सिर्फ फील कर सकते हो. ऐसे नहीं है कि मैनेजमेंट आपके सामने बैठी है. ठीक है, हम मैनेजमेंट को एक स्ट्रक्चर दे देते हैं कि मैनेजमेंट टीम है, लेकिन एक्चुअल में एक ही इंटेंजिबल फोर्स है विच ओनली कैन बी फेल्ट. तो ये आपके जो हैं करेक्टरिस्टिक्स थे मैनेजमेंट के, जो अभी हमने 6-7 टॉपिक कवर किए. अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगें बिजनेस स्टडीज़ की, तो आप प्लीज़ इसे शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. और जितना आप शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, उतने ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लासेस प्रोवाइड कर पाएंगे. मैंने आपको बताया कि आई एम थिंकिंग कि इसको दो पार्ट्स में मैं डिवाइड करूँ. फर्स्ट पार्ट इज़ कॉन्सेप्चुअल, सेकंड विल बी द केस स्टडी बेस. तो अगर आप इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, तो उतनी ही जल्दी मैं आपको सेकंड कोर्स भी अवेलेबल कराऊंगी. होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपको बता ही दिया है जो आपको करना है.
तो थैंक यू गाइस एंड हैव ए नाइस डे.